नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का पाठ 6, जिसका नाम है भिक्षा पात्र। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हमारे पाठ 6 का नाम है भिक्षा पात्र। यह एक प्रेरक कहानी है। प्रसिद्ध साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित यह प्रेरक कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि अपने जीवन में हमें दूसरों की मदद करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो आप, लेखक का नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। बच्चों, इस चित्र में आपको महात्मा बुद्ध का एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग है। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध ने हमेशा अहिंसा पर चलने और जीवों पर दया करने का संदेश दिया है। वे कहते थे कि सभी प्राणियों पर हमें दया भाव रखना चाहिए। आगे इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं और आसपास बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, आज हमारे पाठ इसी पर आधारित है, जिसमें महात्मा बुद्ध अकाल से पीड़ित जनता के समस्या का समाधान निकालने के लिए अपने नगर के धनी भक्तों को बुलाते हैं और उनसे एक प्रश्न पूछते हैं। वह प्रश्न क्या है, उस प्रश्न का क्या समाधान निकलता है और वे किस प्रकार अकाल की समस्या का निवारण कर पाते हैं, वह सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए अपना पाठ शुरू करते हैं। पिछले 2-3 साल से ठीक तरह से बारिश नहीं हुई थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती में जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। ना जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था, उसने बचाकर बुरे दिनों के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। महात्मा गौतम बुद्ध से लोगों की परेशानी देखी ना गई। उन्होंने अपने शिष्य को इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्त जनों को बुला भेजा। विनम्र स्वर में महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रिय जनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए आप में से कौन कौन तैयार है। महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का सिर लज्जा झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। अब महात्मा बुद्ध की नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, प्राण देने से यदि जनता को अन्न मिल जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं कि पूरे नगर का पेट भर सकूँ। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही परेशानियों से दबा हूँ। बारिश ना होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडित की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से आंसू पोंछ कर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के लोगों का पेट कैसे भरेगी। कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है। तुम्हारे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं। सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। अकाल पीड़ितों के लिए मुझे भिक्षा मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी मदद से ही महात्मा बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। मेरा भंडार तो आपके घरों में भरा पड़ा है। आप मदद करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। जब जब पीड़ितों को सहायता की ज़रूरत होगी, तब तब मैं आपके द्वार पर आऊँगी। आप जो भी देंगे वह भूखों को खिलाऊँगी। जब तक धरती माँ के पास
जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना हाथ आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा संकल्प पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उंडेल दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। अब नगर के किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। इधर बारिश ने भी दया दिखाई और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहला उठे, भंडार फिर से भर गए। देखा बच्चों, कितनी अच्छी और प्रेरक कहानी थी। सुप्रिया के पास कुछ भी नहीं था, पर एक इच्छा थी कि वह सभी की मदद करे। तो उसी इच्छा शक्ति के आधार पर उसने सभी भूखे लोगों तक अन्न पहुंचाने का निर्णय लिया और उस निर्णय को पूरा करने में सभी गांव वालों ने उसकी मदद की। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? दूसरों की भलाई के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा, तभी बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। आप देखा, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा कैसे? आपने देखा होगा कि अगर पानी की एक एक बूंद टपकती रहती है तो धीरे धीरे उसके नीचे रखा हुआ बर्तन पूरा भर जाता है। उसी तरह एक एक रुपया जोड़कर अगर हम किसी की मदद करते हैं तो एक बड़ी धनराशि बन जाती है। इसलिए दूसरों की मदद करने या दूसरों की भलाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो पैसों का भी इंतज़ाम अपने आप हो जाता है। तो यह एक प्रेरक कहानी थी। तो हमने इसे यही सीखा कि हमें हमेशा भलाई के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए एक बार इस कहानी को संक्षिप्त रूप में और समझ लेते हैं। यह एक प्रेरक कहानी है। इसमें बताया गया है कि पिछले 2-3 साल से बारिश ना होने के कारण नगर में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकाल से परेशान लोगों को देखकर महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और नगर सेठों को बुलाते हैं। वे उन्हें नगर के हर प्राणी तक अन्न पहुँचाने का आग्रह करते हैं। नगर के सभी धनी लोग ऐसा करने में अपनी असमर्थता जताते हैं। तभी महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडित की बेटी सुप्रिया आगे आती है और नगर के हर घर तक अनाज पहुंचाने का भार उठाती है। सुप्रिया भिक्षा पात्र लेकर नगर के धनी सेठों के पास जाती है। इस तरह भिक्षा में मिले अनाज से अकाल पीड़ितों की सहायता करती है। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ कठिन शब्द दिखाई दे रहे हैं। इन कठिन शब्दों को आप लिखकर अभ्यास करेंगे। पहला है व्याकुल, प्राणी, आश्चर्यचकित, लज्जा। आगे देखें, आशीर्वाद, तथास्तु, भिक्षा पात्र, भंडार, पीड़ित, तुच्छ, अनाथ पिंडत, द्वार। आगे शब्दार्थ दिए गए हैं। जो इस पाठ में आए कठिन शब्द हैं, यहाँ पर उन्हें अर्थ के साथ बताया गया है। तो देखते हैं, संकल्प, प्रतिज्ञा, लज्जा, शर्म, जनता, लोग या प्रजा, द्वार, दरवाज़ा, भिक्षा पात्र, भीख मांगने का कटोरा, सूखा पड़ना, जल की कमी होना, तुच्छ, बहुत ही छोटा, व्याकुल, बेचैन, संतान, औलाद, अन्न, अनाज या खाने की चीज़, अकाल पड़ना, भुखमरी या खाने की कमी होना, कलरव, पक्षियों का मधुर स्वर, अभाव, कमी, तथास्तु, ऐसा ही हो, आज्ञा, आदेश, बेहाल, परेशान। आज के लिए इतना ही।